आज हम लोग देखने वाले हैं टाउन हॉल 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हर टाउन हॉल के लिए लावालू उनकी बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी जो भाई आपको हेल्प करेगी नेक्स्ट 20 डेज के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाउन हॉल 11 से। टाउन हॉल 11 के लिए आर्मी देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्या बनाई है लावालू की, 11 लावालू 12 लाइटनिंग स्पेल। अब ये 12 लाइटनिंग स्पेल्स क्या करेंगे पता है? 3 लाइटनिंग स्पेल फॉर एवरी 1 एयर डिफेंस और एक पॉइजन सीसी ट्रूप्स के लिए। और रही बात हीरो इक्विपमेंट्स की, तो किंग और क्वीन के ऊपर आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। वार्डन के ऊपर तो देखो भाई आपको एक तो रेड जेम लगेगा और इटर्नल टोम लगेगा। रेड जेम नहीं है तो रेगुलर आपका लाइफ जेम भी इस्तेमाल कर सकते हो और सीसी के अंदर ऐसे ट्रूप जो टाउन हॉल को इजीली टेक डाउन करें। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले वॉर के अंदर नंबर 50 के ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि है एक अच्छा खासा टाउन हॉल 12 का बेस लेआउट। 11 से 12 करेंगे इस आर्मी के साथ, मैं तो ये कर दूंगा लेकिन आप लोग भी एक चीज करो सब्सक्राइब। इसमें हम लोग क्या करेंगे लेट्स गो बताता हूं। स्टार्टिंग में अपने को देखो 1, 2 ये और ये तीसरा, ये तीन एयर डिफेंसेस डाउन करेंगे। हीरोज यहां से चलाएंगे और लास्ट में जब आर्मी कोर में आएगी तब ये वाला एयर डिफेंस डाउन करेंगे। एक एयर डिफेंस डाउन करने के लिए चाहे टाउन हॉल 11 का हो या 12 का हो 3 लाइटनिंग आपको लगते हैं, देखना है। ओके 1, 2, 3 ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 उसके बाद हीरोज एक काम करते हैं किंग और क्वीन को यहां से चलाते हैं। उसके बाद लावा लून की आर्मी ब्लिंप भी जाएगी दोस्तों यहीं से। ओके उसके बाद वेट करेंगे 1, 2, 3 चलो फोड़ दिया बुड्ढे की एबिलिटी। अब भाई देखो हमारी ब्लिंप टाउन हॉल टेक डाउन कर लेगी यहां से इजीली, क्योंकि स्निकी गॉब्लिंस ले रखे हम लोगों ने। पॉइजन स्पेल भी हमारे पास बचा हुआ है अभी भी। किंग के पास एबिलिटी है, क्वीन के पास भी एबिलिटी है। किंग की एक काम करते हैं एबिलिटी यूज कर लेते हैं, जिससे कि भाई अपने को काफी अच्छी खासी वैल्यू मिल चुकी है। 3 मिनियंस भी है हमारे पास। देखो भाई ये लावा लून की आर्मी ना, एक काम करते हैं पॉइजन बचा हुआ है, पॉइजन कहाँ पे इस्तेमाल करूँ, एक काम करता हूँ यहीं पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेट्स गो, क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची हुई है हमारे पास, यहाँ पे ये डाल लेता हूँ, क्वीन की एबिलिटी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभी भी मेरे पास 3 मिनियंस हैं, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं ये 3 मिलियन से इस्तेमाल करने की। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल करने हैं लाइटनिंग स्पेल्स, 3 एयर डिफेंस स्टार्टिंग में डाउन करने हैं, 4th एयर डिफेंस की तरफ जैसे ही आपकी आर्मी बढ़ने लगेगी ना कोर में आ जाएगी जहां पे सबसे ज्यादा डिफेंसेस रखे हुए हैं, तब उस टाइम पे आपको फोड़ देना है वो एयर डिफेंस, जिससे कि भाई ये आपके लावा पप्स और लावा लून आर्मी खत्म कर देंगे पूरे बेस को। ये तो टाउन हॉल 11 वर्सेस 12 हो गया। अभी एक काम करते हैं टाउन हॉल 12 पे चलते हैं अटैक करने के लिए। अभी हम लोग टाउन हॉल 12 पे, टाउन हॉल 12 पे भी सेम आर्मी रहेगी, अगेन 12 लाइटनिंग स्पेल्स, पॉइजन किंग के ऊपर जो यूज करना है कर लो, क्वीन के ऊपर भी जो यूज करना है कर लो, लेकिन वार्डन के ऊपर भाई मेरा सजेशन यही रहेगा रेड जेम और इंटरनल टोम इस्तेमाल करो। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं टाउन हॉल 12 से ना 12 नहीं करेंगे, क्योंकि 12 बचा ही नहीं है, टाउन हॉल 13 पे चलेंगे और वो भी मैक्स डाउट टाउन हॉल 13 के बेस के ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पे भी भाई फंडामेंटल्स आर्मी के सेम ही है। देखो स्टार्टिंग में अपने को एयर डिफेंसेस डाउन करने हैं, 1, 2, 3 डाउन हो जाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3 डाउन हो जाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3 डाउन हो जाएंगे, 3 लाइटनिंग्स बचा के रखने हैं। उसके बाद पूरी पूरी आपकी आर्मी ऐसे आएगी, बुढ़ा आएगा, किंग और क्वीन ऐसे जाएंगे, ब्लिंप इधर से जाएगी, जैसे ही आर्मी कोर में पहुंचेगी आपको ये फोड़ देना है, फोड़ दो और बुड्ढे की एबिलिटी दे दो, ब्लिंप अपनी पहुंच जाएगी आराम से टाउन हॉल तक, सारे के सारे लावालून रेज स्पेल के अंदर बुड्ढे के रेज ऑरा के अंदर रह के भाई तबाही मचाने का काम करेंगे। और सीसी के ट्रूप्स बाहर आते ही सीसी के ट्रूप्स पे आपको पता है करना क्या है, पॉइजन स्पेल डिप्लॉय करना है। फिलहाल होल्ड करेंगे हम लोग हमारा पॉइजन स्पेल, वेट करेंगे, यहां पे डालेंगे पॉइजन स्पेल जिससे कि भाई ये आइस गोलमंस पॉइजन हो जाए। अभी भी आर्मी इतनी बची है, किंग के पास एबिलिटी बची है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, करो इस्तेमाल करो गुद्दी लाल, होल्ड करते फिलहाल तो जरूरत है नहीं। क्वीन के पास भी एबिलिटी बची हुई है, एक मिनियन है, एक काम करता हूँ यहाँ पर डालता हूँ मिनियन। ओके 2 आर्चर्स भी बचे हैं मेरे पास, जरूरत है ही नहीं है 2 आर्चर्स इस्तेमाल करने की, एक काम करते चलो किंगवा का एबिलिटी दे ही देते हैं, ठीक है भाई अच्छी खासी वैल्यू मिल गई। किंग और क्वीन यहाँ से अंदर घुस पाएंगे, आर्मी देखो भाई कितनी सारी बच जाती है। टाउन हॉल 12 से 13 पे कर रहे हैं हम लोग, काफी सिंपल, इट्स अ लिटरली नो ब्रेनर अटैक स्ट्रेटजी, कुछ करना ही नहीं है आपको, आराम से ट्रिपल हो जाएगा। तो ये तो टाउन हॉल 12 से हो गया, अभी बारी आती है टाउन हॉल 13 से अटैक करने की। टाउन हॉल 13 से आप लोग 14 को भी ठोक सकते हो। आर्मी देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे, जितने हो सकते हैं उतने लावा लून्स ले लेने के, 12 लाइटनिंग तो लेनी है,
वार्डन के ऊपर सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि रेड जेम इस्तेमाल करो, आरसी के ऊपर, किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर, जो यूज़ करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ना मैक्स टाउन हॉल 14 बेस पे चलते हैं, टाउन हॉल 13 से ही अटैक करेंगे। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा एयर डिफेंस देखना पड़ेगा जो कि भाई लास्ट में निकले हैं, वो रहेगा ये वाला एयर डिफेंस, ठीक है। तो अपन लोग 1, 2, 3 ये डाउन करेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लास्ट में डालेंगे उसके ऊपर। तो चलो आर्मी सेम रहेगी, लेट्स गो दोस्तों, सिंपल। स्टार्टिंग में 1, 2, 3 फूट जाएगा, 1, 2, 3 फूट जाएगा, 1, 2, 3 फूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कर दो स्पैम, ये भी डाल दो, ब्लिंप भी डाल दो, हीरोस को इधर से ही लगा दो भाई, जैसे ही आर्मी कोर में आने वाली रहेगी इधर डाल दो ये, और बुड्ढे की एबिलिटी, लेट्स गो। अब देखो इजीली यहाँ से टाउन हॉल मिल जाएगा क्योंकि अरे भाई साहब ये क्या है भाई, इतने सारे स्केलेटन्स, कोई मसला नहीं है। रॉयल चैंपियन भी हमारे पास बच चुकी है, पॉइजन भी है, चाहे तो रॉयल चैंपियन डाल सकते हैं या फिर स्वैग भी कर सकते हैं। अब सीसी के ट्रुप्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, सीसी के ट्रुप्स के ऊपर अपन लोग एक काम करेंगे, पॉइजन स्पेल लगाए क्या, यहाँ पे लगा डालते पॉइजन स्पेल। देखो दोस्तों कर लो भाई, बात कर लो, अब टाउन हॉल 13 से 14 पे भी रॉयल चैंपियन स्वैग हो रही है। एक्चुअल में इस आर्मी के अंदर हीरोज की जरूरत पड़ती नहीं है, इतनी ब्रोकन आर्मी है ये। अगर मैं यहाँ पे हीरोज भी नहीं ना डालता तब भी ये ट्रिपल हो जाता दोस्तों, यही तो है भाई पावरफुल, तभी तो लोगों को इतनी पसंद आ रही है। लेकिन ये सिर्फ 20 दिन के लिए रहने वाली है, लेकिन भाई इसको इस्तेमाल ऐसे करना है जैसे कि भाई सामने वाला बंदा देख के बौखला जाए, बोले ये क्या कर दिया भाई बंदे ने। अभी हम लोग करेंगे भाई इस बेस के ऊपर अटैक, वो भी अपने टाउन हॉल 15 के साथ। आर्मी सेम ही रहने वाली है, फंडा भी सेम रहने वाला है। फिलहाल देखो भाई अपन लोग ये वाला एयर डिफेंस डाउन करेंगे, 1, 2, 3 ठीक है, उसके बाद ये 1, 2, 3 ठीक है, उसके बाद ये वाला 1, 2, 3 ठीक है, उसके बाद आखिरी वाला जो बचा है उसको लास्ट में डालेंगे। फिलहाल किंग और क्वीन को डालते हैं, सारे के सारे लावा लून्स, बुड्ढा, ब्लिम्प, ओके सही जा रहा है, इसको डाउन कर ही लेते हैं और बुड्ढे की एबिलिटी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हेड हंटर लगाते हैं ओपोनेंट किंग के ऊपर और हमारे किंग की एबिलिटी दे देते हैं। टाउन हॉल मिल चुका है, सीसी के ट्रुप्स बाहर आ चुके हैं, रॉयल चैंपियन को यहाँ से लगाते हैं। अभी भी अपने पास एक वॉल ब्रेकर है तो यहाँ पे डालते हैं वॉल ब्रेकर, यहाँ पे लगाते हैं एक फ्रीज स्पेल, पॉइजन स्पेल लगा डालते हैं, इधर ही मर जाओ भाई, इधर ही मर जाओ। और पॉइजन ऊपर से मिनियन लगाएंगे, यहाँ पे एक मिनियन लगाएंगे, ये डाउन होते रॉयल चैंपियन की एबिलिटी देंगे, ये लो सारे हॉक्स निकल गए, ये लो भाई साहब ये हो गया हमारा ट्रिपल अटैक टाउन हॉल 15 के ऊपर। हालांकि ये वाला बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट बेस था, इस बेस के ऊपर भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन सबसे बेस्ट रहती है अटैक स्ट्रेटजी, लेकिन स्टिल लावा लून के साथ आप लोग इजीली ट्रिपल निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई साहब। इसके बाद दोस्तों बारी आती है द एंड टाउन हॉल, टाउन हॉल 16 की। टाउन हॉल 16 के ऊपर भी भाई ऐसी ही चलेगी आर्मी, लेट्स गो। क्वीन, अरे बाप रे अटकी पड़ी है भाई। टाउन हॉल 16 से भाई हम लोग इस बेस के ऊपर करेंगे। अब टाउन हॉल 16 के ऊपर देखो अगेन मेरा सजेशन यही रहेगा कि रेड जेम इस्तेमाल कर लो, 12 लाइटनिंग स्पेल्स, आर्मी तो भाई वही वाली अपनी सीसी के अंदर स्निकी गॉबलिंस और यटीज, जिससे कि भाई टाउन हॉल डाउन हो। बाकी किंग के ऊपर तो अपन लोग ये, क्वीन के ऊपर ये, आरसी के ऊपर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स गो। सेम चीज करनी है भाई, सबसे पहले तो ब्लिंप, उसके बाद 1, 2, 3 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ठीक है भाई। अभी भी 3 जो बचे हैं उसको बचा के रखेंगे। फिलहाल हीरोज यहाँ से चलाते हैं, सारे के सारे लावा लून्स यहाँ से, ब्लिंप भी यहीं से, एक हेड हंटर जाएगा, जैसे ही आर्मी कोर में जाएगी अपने को तोड़ देना इसको, और इसको तोड़ देंगे, बुड्ढे की एबिलिटी दे देंगे। देखो भाई पूरी आर्मी कोर में आ गई है और ब्लिंप भी एबिलिटी के अंदर गई है। अब यहाँ से ईजिली सीसी के जो हमारे ट्रुप्स है वो टेक डाउन कर लेंगे टाउन हॉल को। किंगवा का एबिलिटी बचा है तो एबिलिटी दे देता हूँ, जिससे कि भाई क्वीन अंदर की साइड पे जा पाएगी। रॉयल चैंपियन हमारे पास बची हुई है, ये देख लो भाई साहब, ये क्लीन अप के लिए अपन लोग डाल देंगे। वॉल ब्रेकर यहाँ से लगा देंगे,
रॉयल चैंपियन की जैसे एबिलिटी है, एक ये यहाँ पे पॉइजन लगा देंगे यहाँ पे, और क्वीन की एबिलिटी दे दो भाई साहब। रॉयल चैंपियन बची हुई है और मुझे नहीं लगता कि रॉयल चैंपियन इस्तेमाल करने की भी हमको कोई ज़रूरत है। ये वाला बेस हो चुका है इजी पीजी तरीके से 3 स्टार। यही है भाई लावालून आर्मी। असली मज़ा तो भाई साहब वो दूसरे ट्रुप्स इस्तेमाल करने में है। आइस मिनियन का उतना ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिफेंस को टारगेट करता है। बार्चर लोअर टाउन हॉल पे हो फार्मिंग के लिए अच्छा है, और जो विच गोलम है मज़ा उसमें आएगा जैसे ही वो मैं अनलॉक करूँगा, उसके ऊपर भी भाई हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये थी दोस्तों आज की हमारी लावालून अटैक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगले 20 दिनों के लिए। भाई सभी लोग यूज़ करो, 20 दिन फ्री रहो, रिलैक्स रहो, इजी अंदा फटो, ट्रिपल मारो, और एटलीस्ट आपकी 10 की स्ट्रीक बढ़ जाए इस इवेंट के दौरान। फिलहाल हमारे क्लैन की जो स्ट्रीक है ये चल रही है दोस्तों 63 की, 63 मैचेस हम लोगों ने जीते हैं लाइन से। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग इसको 100 की स्ट्रीक बनाएं। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।